आज हम बचपन की यादें ताज़ा करेंगे और 1 रुपए वाली पेप्सी बना के तैयार करेंगे। और ये बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। इसको हम कच्चा मैंगो बाइट टॉफ़ी जो मिलता है ना 1 रुपए में दो, उससे बनाएंगे दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर, कच्चे आम का खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए हमें कच्चा मैंगो बाइट टॉफ़ी ले लेना है। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, 1 रुपए में दो मिलता है दोस्तों। और इसका जो फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छा रहता है, हम सभी को पसंद है ये चॉकलेट। इसके बाद हमें इसे खोल लेना है और देखिए इस तरीके का टॉफ़ी अंदर रहता है। और यहाँ पर मैंने 20 से 25 लगभग टॉफ़ी ले लिया है, इसको मैंने खोल लिया। अब हमें एक फूड ग्रेड का प्लास्टिक रैप ले लेना है, जो भी आपके पास हो उसमें हमें इसे डाल देना है। और हमें इसे अच्छे से तोड़ लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो यहाँ पे मैंने इसे बंद कर लिया, अच्छे से हाथ से पकड़ लिया। और इसके बाद हम सभी के पास बेलन होता है ना घर में दोस्तों, उसी से मार के हमें इसका बोल सकते हैं भुरता निकाल देना है। और देखिए कितने अच्छी तरीके से इसका पाउडर बन गया है और इसे मैंने निकाल लिया। इसके बाद मैं 2 बड़े चम्मच यहाँ पर चीनी ले लूँगी। आप चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि टॉफ़ी में भी ढेर सारा चीनी रहता है। इसके बाद हमें यहाँ पे गरम पानी लेना है दोस्तों। इससे क्या होगा, हमारा जो टॉफ़ी है ना बहुत ही आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगा पानी में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने गर्मा गर्म यहाँ पानी डाला है तो चीनी और जो टॉफ़ी है ना बड़ी आसानी से पिघल जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे छोड़ के इस तरीके से जाना नहीं है, आपको जस्ट इसको मिलाते रहना है। गर्मा गर्म पानी डालेंगे तो जल्दी ये मिलना शुरू हो जाएगा, छोड़ के अगर आप इसे चले जाएँगे तो ये नीचे बैठ जाएगा और पानी ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तो आपको इसे मिलाते रहना है। तो जब तक ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है मैं आपको पेप्सी का रोल दिखा देती हूँ। दोस्तों ये बड़ी आसानी से लोकल मार्केट में भी आपको मिल जाएगा। पेप्सी का सामान, पेप्सी का मशीन बहुत ही आसानी से मिल जाता है, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक और वीडियो बनाया है 4 फ्लेवर वाला पेप्सी, तो वो बहुत लोगों ने उसमें पूछा कि आपने इसे कैसे बनाया, कहाँ से ख़रीदा। तो दोस्तों ये इसको मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था, साथ ही साथ आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब हमें कितना लंबा पेप्सी का रोल बनाना है उस हिसाब से इस तरीके से काट लेना है। और एक और को रखते हुए इसी तरीके से बाकी रोल को भी मैं काट लूँगी। और यहाँ पर मैं पहले 3 से 4 काट के बना के देखूँगी कि कैसा बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने काट लिया। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ, पेप्सी जो मार्केट में हमें मिलता है ना वो मशीन का इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, गिठान लगा देंगे। देखिए इस तरीके से कोने में आपको लास्ट में गिठान लगाना है ताकि इसमें जब आप डालें जूस को तो वो नीचे से न गिरे। तो अब आप देख सकते हैं सभी को मैंने बना के तैयार कर लिया, इसे अब हम साइड में रख देंगे। यहाँ पर दोस्तों एक और बात बताना चाहूँगी, जब पेप्सी रोल का यूज़ आप कर लेते इसके बाद इस तरीके से एक सेलो टेप लगा के इसे सिक्योर कर दें, इससे ये ख़राब नहीं होगा और खुलेगा नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पेप्सी का जूस है तैयार है। इसमें मैंने और थोड़ा सा पानी मिलाया था और इसे थोड़ा पतला कर लिया है और ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है दोस्तों। ठंडा होने के बाद तो ये और यम्मी लगेगा। तो एक छोटे से स्टील के ग्लास में मैं इसे निकाल लूँगी, इससे पेप्सी रोल में भरने में बड़ी आसानी होती है। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया और इस तरीके से हमारा ये जो रोल है तैयार है। इसमें थोड़ा सा हवा अंदर जाने दे, इससे ये आसानी से इसके अंदर जूस चला जाएगा। इसके बाद बड़ी सावधानी से धीरे धीरे करके आप इसे भरे, पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा सा छोड़ना है हमें क्योंकि हमें ऊपर गिठान भी लगाना है। तो आप इस तरीके से पकड़ के इसको मोड़ दे पहले, इसके बाद इसमें गिठान लगा दे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा पहला पेप्सी रोल बन के तैयार हो गया, बिल्कुल ही परफेक्ट बना है दोस्तों। इसी तरीके से हमें बाकी पेप्सी रोल को भर के तैयार कर लेना है। दोस्तों बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं घर में ही सुरक्षित वे में इसे बनाती हूँ और अपने बच्चों को देती हूँ। वैसे भी अभी बाहर लॉकडाउन है, कुछ मिल नहीं रहा है, तो घर में ही आप आइसक्रीम बनाएं और अपने बच्चों के साथ इस टाइम को इंजॉय करें। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे रोल बन के तैयार हैं और ये बिल्कुल ही परफेक्ट बने हैं दोस्तों। अच्छी तरीके से आप गिठान लगाएंगे ना तो नीचे से ये खुलेगा नहीं और बहुत ही आसानी से आप इसे घर पे बना पाएंगे। जस्ट ये तैयार है, अब हमें इसे डीप फ्रीज में रख देना है। लगभग 4 से 5 घंटे में ये बड़ी आसानी से जम जाते हैं और फिर ये तैयार हो जाते हैं खाने के लिए। दोस्तों काटते वक्त क्या हुआ था, पेप्सी रोल 1-2 ठोक छोटा भी कट गया था,
तो मैंने एक और इसमें आइडिया लगा के आपके साथ शेयर किया है। जो छोटा कट है उसमें गिठान अच्छे से लग नहीं पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसे इस तरीके से मोड़ लें और हम यहाँ पे रबर बैंड का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से इसमें लगा देंगे। इससे भी ये अच्छी तरीके से देखिए लग जाएगा। और अच्छे से आपको 4 से 5 बार इसे घुमाते हुए बांध लेना है। और हमारा जो पेप्सी का रोल है ना, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो 2 तरीका हम मैंने आपको आज बता दिया। देखिए ये इस तरीके से तैयार है, तो आप इस तरीके से भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए आप इसे डीप फ्रीज में रख देते हैं। तो 4 से 5 घंटे हो गए हैं, अच्छे से ये जम गए हैं। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितने परफेक्ट लग रहे हैं और बढ़िया तरीके से ये जम गए हैं दोस्तों। बड़ी आसानी से हम इसे घर पे बना सकते हैं। मैंने इन्हें बनाया था, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो इसी तरीके से आप इसे घर पे बना सकते हैं। देखिए कितने परफेक्ट तरीके से ये जम गए हैं, बिल्कुल ही हार्ड हो गए हैं 4 से 5 घंटे में। तो है ना, बनाना बहुत ही आसान, और इसका जो फ्लेवर है ना बहुत ही यम्मी बनेगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। एक बार आप ज़रूर इसे घर पे ट्राई करके देखिए, बहुत ही उम्दा बना है। आई होप आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।